हाय दोस्तों, आज हम होटल के जैसे फूले फूले छोले भटूरे बनाने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम एक कप काबुली चना को भिगो देंगे। चना भीगने में 5 से 6 घंटे लगते हैं, इसलिए मैंने रात में ही चना भिगो लिया था। अब एक कॉटन का साफ कपड़ा लेंगे और इसमें डालेंगे एक बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी और 1 टीस्पून चाय पत्ती। इसे अच्छे से बांध देंगे। अब कुकर में भिगोए चने डालेंगे और इसमें डालेंगे पानी। पोटली जो हमने अभी बनाया और नमक, इसे 5 से 6 सीटी होने तक लो फ्लेम में पका लेंगे। जब तक चना पक रहा, हम भटूरे के लिए डो गूंद लेते हैं। इसके लिए एक बाउल में लेंगे 1/4 कप सूजी और 1/4 कप दही। इसे अच्छे से मिक्स कर 2 से 3 मिनट सूजी फूलने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें 2 कप मैदा, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून चीनी और थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो बना लेंगे। डो तैयार है, इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे और 1 घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जिससे डो अच्छे से सेट हो जाए। कुकर में लास्ट सीटी बच गई है, इसे गैस से उतार कर ठंडा होने देंगे, फिर इसे खोलेंगे। तब तक हम छोले मसाले बना लेते हैं। इसके लिए हम 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 इंच दालचीनी, 4 लौंग, 3 छोटी इलायची, थोड़ी सी जायत्री, 4 से 5 काली मिर्च और 2 सूखी लाल मिर्च को ड्राई रोस्ट करेंगे। अब इन्हें ठंडा कर मिक्सी जार में डालेंगे और इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर पीस लेंगे। ये लीजिए, छोला मसाला रेडी है और कुकर का प्रेशर भी रिलीज हो गया है। इसे ओपन करके देखते हैं चना पका है या नहीं। चना पक गया है, अब इसमें से पोटली निकाल कर फेंक देंगे। चलिए अब छोला बना लेते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करेंगे और तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 3 मीडियम साइज प्याज बारीक कटे और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे मिक्स करेंगे और प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे।
प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून छोले मसाले जो हमने अभी तैयार किए। इसे मिक्स करेंगे और ढक्कन ढककर 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। चार मिनट के बाद इसमें एक टमाटर कट करके डालेंगे और टमाटर गलने तक पका लेंगे। टमाटर गल गया है, अब इसमें बॉइल्ड चने को डालकर मिक्स करेंगे। इसे ढक्कन ढककर एक उबाल आने तक लो फ्लेम में पकाएंगे। अगर छोले में नमक कम है तो आप इस समय नमक डाल सकते हैं। मैं मैशर से चने को प्रेस कर रही जिससे ग्रेवी थोड़ी थिक बने। हमें ज़्यादा मैश नहीं करना है, बस 2 से 3 बार प्रेस करना है। ये लीजिए, छोले बनकर रेडी है, पर इसमें हम एक और तड़का लगाएंगे। इसके लिए तड़का पैन में सरसों का तेल गर्म करेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें बारीक कटे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक और 1 हरी मिर्च डालेंगे। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। अब इस तड़के को छोले में डालकर ढक्कन को बंद कर देंगे। 5 मिनट के बाद इसे मिक्स कर देंगे। छोला रेडी है। चलिए अब हम लच्छा प्याज भी बना लेते हैं। इसके लिए प्याज को गोल गोल कट कर इसके रिंग्स को अलग कर लेंगे और इसमें लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। लच्छा प्याज रेडी है। चलिए अब हम भटूरे बना लेते हैं। इसके लिए एक लोई लेंगे, इसे गोल करेंगे। अब चकला और बेलन दोनों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और भटूरे को पतला बेल लेंगे। भटूरे बेलने के लिए इसे चकले से बार बार ना उठाएं, चकले को ही गोल गोल घुमाकर बेलें तो भटूरे सिकुड़कर छोटा नहीं होगा और आपको मेहनत कम लगेगी। तेल हमें तेज गर्म करना है। इसे चेक करने के लिए छोटा सा आटा तेल में डालकर देखेंगे। अगर आटा जल्दी से ऊपर आ रहा मतलब तेल ठीक गर्म है। अब इसमें भटूरे को डालेंगे और हल्के हल्के से भटूरे को दबाएंगे या कंटिन्यूसली गर्म तेल को भटूरे के ऊपर डालेंगे। भटूरे को दोनों तरफ से हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। हमारा भटूरा रेडी है। चलिए अब हम प्लेटिंग करते हैं। पहले छोला, फिर भटूरा, फिर लच्छा प्याज और अचार। इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इसे आप बार बार बनाना जरूर पसंद करेंगे। है ना इसे बनाना आसान? ऐसे ही और टेस्टी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।